आइए, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर वन. अब हम लोग आएंगे आंसर टू. क्वेश्चन नंबर 2A. नाउ 2A वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो कॉस्ट शीट का है, राइट? ओपनिंग रॉ मेटेरियल, क्लोजिंग रॉ मेटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया, वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे दिया, फिनिश गुड्स का ओपनिंग दे दिया, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मेटेरियल, तो ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त अपने माइनस करते हैं, सबको पता है, प्रोडक्शन दे दिया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फीफो फॉलो करने बोला है. क्लोजिंग स्टॉक अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू होता है इट मींस डीम्ड वो फीफो हो गया, क्योंकि पहले वाला बिक गया होगा तो जो भी बचा है वो अभी का प्रोडक्शन से बचा हुआ है. फर्म ने इतना बेचा है, अपने को कॉस्ट शीट बनाने बोला है. तो कॉस्ट शीट बनाने के पहले अपने को एक वर्किंग नोट करना पड़ता है. ये वर्किंग नोट मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस सोल्ड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग. अभी इसमें से तीन यूनिट्स दिया हुआ होगा, चौथा वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, ओपनिंग दिया हुआ है कितना, 1217 यूनिट्स, प्रोडक्शन दिया हुआ है 14,000, सोल्ड दिया हुआ है 14,153 यूनिट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा मेरा, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, कितना, 1064 यूनिट्स. ये हम लोग हमेशा इसमें से आप लोग देखिएगा, चार चीज है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, सोल्ड एंड क्लोजिंग, इसमें से तीन देगा, एक मिसिंग होगा. राइट, इज दैट फाइन? सो अब हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट यहाँ पे हम लोग दो चीज लिख लेंगे, प्रोडक्शन 14,000 यूनिट, सोल्ड 14,153 यूनिट, मतलब टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ 14,000 यूनिट पे आएगा, उसके बाद सब कुछ 14,153 यूनिट पे आएगा. राइट, सबसे पहला आता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि हम लोग नोट नंबर टू में बनाएंगे. तो फटाफट रॉ मटेरियल कंज्यूम बना लीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट स्टार्ट ही उसी से होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड, अगर कोई परचेज पे लगा है तो फ्रेट इनवर्ड जो भी है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस स्क्रैप. राइट, आ जाइए फटाफट, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2,28,000, परचेजेस दिया है 42,25,000, फ्रेट इनवर्ड दिया हुआ है 1,00,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 3,05,000, और स्क्रैप दिया हुआ है 8,000. राइट, इज दैट फाइन एवरीवन?
कितना आ रहा है? 42 लाख. उसके बाद है हमारा डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 12,56,000 तो पेड है, प्लस आउटस्टैंडिंग है हमारा 1.5 लाख, राइट? 14,06,000 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट. बोलिए, 56,46,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. नाउ फैक्ट्री ओवरहेड इज आइदर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, और पर मशीन आवर और पर लेबर आवर, और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट. एवरेज ओवरहेड निकालने का तरीका कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे बोल दिया है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 20% ऑफ 56,46,000 करिए करिए फटाफट करिए फटाफट फटाफट. कितना? 11,29,200. बहुत लोगों को अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो रहा होगा. प्लस माइनस WIP एडजस्टमेंट, जिसमें ओपनिंग WIP कितना है? 192,500 लेस क्लोजिंग WIP कितना है? 41,800. So now we get works cost. फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात है, 68,27,000. अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट आइदर टू द प्रोडक्शन और टू द सेल. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आएगा. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस सपोर्ट टू द सेल्स टीम, तो पूरा वो नीचे आएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं बोलता है, तो अपने यही मानते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम में. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में दे दिया है कैलकुलेट करके, कितना बोला है? 1,73,000. तो उस हिसाब से मेरा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई गेस पूरा 70 लाख आ रहा है. इज दैट फाइन? कौन है? उठा के बात करो. प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, राइट? 608,500, राइट? लेस अर्जेंट होगा, बात करो.
दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होगा। तो 70,14,000 का है तो 1064 का कितना आएगा? बहुत सिंपल है, 70,00,000 अगर 14,000 यूनिट का है तो 1064 यूनिट्स का कितना आएगा? बोलिए फटाफट बोलिए। बोल दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेटर, और फीफो में भी यही होता है, पहले वाला ओपनिंग बिक गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिमेनिंग, तो इट्स डीम्ड कि यहाँ पे फीफो फॉलो हुआ है। 5,32,000, तो ये मेरा आ गया सी ओ जी एस। कितना आ रहा है सी ओ जी एस? 70,76,500। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे मेरे को स्पेस प्रॉब्लम हो गया, आपको भी एग्जाम में हो सकता है, कांट हेल्प इट, फिर आपको नीचे ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए एग्जाम में आप सफिशिएंट स्पेस रखिएगा। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा हूँ, मतलब कोई बनावटी चीज़ मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। ये होता है अक्सर एग्जाम में, जैसे वर्किंग नोट आप स्पेस छोड़ के बनाते हैं तो जो सॉल्यूशन है दैट मे एक्सीड ना, सो कुछ हेल्प उसमें, यू कैन नॉट हेल्प इट, आपको जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा, राइट? मैं आपको अच्छा अच्छा चीज़ दिखाऊंगा, फिर आपको एग्जाम में जाके प्रॉब्लम आएगी, वो सब काम हमारे यहाँ नहीं होता है। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ना, अब जो भी होगा सब सोल्ड यूनिट्स पे होगा, तो 14,153 यूनिट्स पे होगा, 16 पर यूनिट बोल दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना आ रहा है ये हमारा? कितना? 226,448। वेरी गुड, तुम्हारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड करिए आप लोग, 7,302,948। अभी अपने को सेल्स पता है 14,153 इंटू कितना करके माल बेचा है? 618 करके, तो आ जाएगा 8,746, 5,54। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 14,43,606। दैट्स इट, सिंपल, 10 में 10, एकदम सिंपल कॉस्ट शीट। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब हमारे यहाँ जो बीकॉम का जो पास पेपर होता है ना वैसा, उसमें आता है ये सब क्वेश्चन, आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रोफेशनल लेवल में पूछा गया है, राइट? इज दैट फाइन एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? ठीक है सर, हम लोग तो एग्जाम पेपर लिख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जैसे देखिए मेरे इस पेज में थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, आप लोग भी नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग एक फ्रेश पेज में, नए पेज में जाएंगे, नए पेज में स्टार्ट करेंगे हम लोग आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B। नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 2B कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है, राइट? नाउ इसमें देखिएगा दो पार्ट है, एक है आपका प्रॉफिट निकालने बोला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकलता है, एंड फिर बैलेंस शीट में उसका सारा जो भी आउटस्टैंडिंग होता है एक्सपेंस का, प्रीपेड होता है, क्लोजिंग मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों को हम लोग दिखाएंगे। नाउ पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तीन पार्ट में बनाया करते थे, राइट? अभी इंस्टीट्यूट में जो आपके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसमें दिया है प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन टू पार्ट्स, मतलब नोशनल प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट,
अब वो लोग उतना कंजर्वेटिज्म उतना डीपली नहीं लगा रहे हैं, राइट right? इसका रीजन सिंपल है, टू मच ऑफ कंजर्वेटिज्म वॉज रिपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रॉफिट वेरी लो, तो एज अ रिजल्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू द शेयर होल्डर वॉज वेरी लो, तो पीपल वेयर नॉट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, सो इसीलिए अब रिपोर्टिंग प्रॉफिट जो रिपोर्ट करना है वो थोड़ा ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं हम लोग, राइट। एनी वेज हम लोगों को सिंपल पता है, मैंने आपको क्लास में तीन पार्ट वाला भी दिखाया है जो हमारा इंडस्ट्री बेंचमार्क था, अपने थर्ड पार्ट में परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालते, बट यहाँ पे अपने वो सब चीज़ नहीं करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट का बुक सिंपल बोलता है कि आप नोशनल प्रॉफिट निकाल दीजिए, वही हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा। तो अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट विच स्टार्टेड इन अप्रैल और ये साल हमारा मार्च में ख़त्म हो गया है, वेरी गुड, राइट। सो अपने को क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्शन कंपनी what we are preparing contract account, very good, aa jaiye, sabse pehle नाउ हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल कंज्यूम लिख सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल होता है, कैसे आएगा, परचेस्ड कितना है, अच्छा रुपीज़ इन थाउजेंड हम पहले ही ऊपर लिख देंगे, रुपीज़ इन थाउजेंड ठीक है, तो 6800 दिया हुआ है, लेस रिटर्न टू स्टोर्स, मतलब ये माल यूज नहीं हुआ है, 150 लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो बच गया यूज नहीं हुआ 175, राइट, मेरा फोन दे दो ना, कैलकुलेट करके बताइए, 6475 12 ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सारा खर्चा हम लोग दिखाएंगे, तो डायरेक्ट वेजेस पेड है और प्रीपेड भी दिया हुआ है, तो पेड है 3450 लेस प्रीपेड है 50, सो इट विल कम 3400, फिर सैलरीज वगैरह भी है हमारा 200, नौ सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 100, तो मिला के 300 आएगा, इज दैट फाइन, सो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, ध्यान दीजिएगा हमारा डायरेक्ट वेजेस लेस प्रीपेड हो गया, सैलरी एड आउटस्टैंडिंग हो गया, नाउ पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी दिया हुआ है, राइट, नाउ पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, उससे हमारा वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा वर्किंग नोट में, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब 20% इज द रिटेंशन रेशियो। अच्छा, हमने एक प्लांट खरीदा था 12 लाख का नवम्बर में, तो 12 लाख मतलब 1200 लिखेंगे क्योंकि रुपीज़ इन थाउजेंड है, एंड उस पर डेप्रिसिएशन 15%, अच्छा मटेरियल 50,000 का स्टोलेन भी हुआ है, तो ठीक है मैं यहाँ से लेस नहीं किया हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई मटेरियल स्टोलेन
स्टोलेन, 50,000 मतलब 50, एक्चुअल में ये यहाँ से लेस होना चाहिए था। तो एग्ज़ाम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर कोई आइटम छूट जाए तो आप बाद में उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। तो अब हमको डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो डेप्रिसिएशन 12 लाख मतलब 1200 का 15%। अच्छा, नवंबर से लेके मार्च, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 5 महीना यूज हुआ है, तो इनटू 5/12 कितना आएगा डेप्रिसिएशन देख लीजिए, जस्ट कैलकुलेट, 1200 × 15% / 12 × 5 तो 75 का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और कोई खर्चा है क्या ड्यूरिंग द ईयर, चेक कर लो, इज देयर एनी अदर एक्सपेंडिचर, नो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। आ जाइए फटाफट बताइए, 6475 प्लस 3400 प्लस 300 प्लस 75 माइनस 50, 10,200। सेकेंड पार्ट में जाएगा, टू बैलेंस बीडी 10,200, इसको अपने बोलते हैं कॉस्ट टिल डेट। अभी हमारा जाएगा यहाँ पे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो 9440 इज 80%, क्योंकि 20% रिटेंशन है, सो 9440 डिवाइडेड बाई 80%, तो ये आ रहा है हमारा 11,800, और अनसर्टिफाइड ये, तो टू नोशनल प्रॉफिट, तो यही हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा। इंस्टीट्यूट में यहीं तक सजेस्ट सॉल्यूशन दिखाया हुआ है, स्टडी मटेरियल बोलो या पहले हम लोग 3 पार्ट में दिखाते थे, वो थर्ड पार्ट नहीं करते क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरीज, फर्दर टू मच ऑफ कंजर्वेटिज्म वॉज देयर, तो पीपल हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग हायर प्रॉफिट्स। तो ये आ रहा है हमारा 2100, डन। अब हम लोग को बैलेंस शीट में क्या बोला है क्वेश्चन में, रेलिवेंट आइटम्स, सो व्हाट आई विल डू, पूरा बैलेंस शीट तो नहीं बना पाएंगे, इसको अपने बोलेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट में हमारा जो कैपिटल होता है जो भी होगा उसके साथ हम प्रॉफिट को ऐड करके दिखाएंगे, राइट। अगर कोई ड्राइंग्स है तो लेस कर देंगे, फिर हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 100 का वो दिखाएंगे, अच्छा क्लोजिंग रॉ मटेरियल 175, प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारा 50 का, प्रीपेड वेजेस
वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 11800 और 500 तो 12300 राइट अच्छा कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिला वो अभी तक एज एन एडवांस रहेगा एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 9440 राइट अच्छा आप चाहें तो ये सब मोटा मोटी तो याद रहता है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड क्लोजिंग रॉ मटेरियल WIP एडवांस प्लांट बहुत लोग भूल जाते हैं तो आप प्लांट का भी दिखा सकते हैं 1200 का था 75 डेप्रिसिएशन हो गया तो 1125 राइट तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग रॉ मटेरियल प्री बैलेंस शीट में जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में आएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी में आ जाएगा बिकॉज हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है बट अभी तक हैंडओवर नहीं किया कस्टमर को तो इसीलिए अपने जो काम मैं कर रहा हूँ उसको वर्क इन प्रोग्रेस और जो पैसे मुझे मिल रहे हैं उसको एडवांस राइट सो लाइक दिस वी विल डू इट तो इसको करने में 20 नंबर का सम को हम लोगों को 26 मिनट लगा ठीक है फाइन इनफ नॉट एन इश्यू तो अगर 26 मिनट करके एवरेज में लगता है हमें 25 मिनट पकड़ो 25 मिनट अगर एवरेज में लगता है तो 4 क्वेश्चन हमें करने हैं राइट तो 100 मिनट वहाँ लगा और पहला पार्ट करने में हमें लगा था करीबन 35 मिनट पेपर आसानी से कंप्लीट हो सकता है ऐसा कोई बात नहीं है 180 मिनट्स 3 आवर्स का पेपर 180 मिनट्स डिवाइडेड बाई 5 करो क्योंकि एक एक क्वेश्चन 20-20 नंबर का है तो आपके पास ऑन एन एवरेज 36 मिनट्स हैं तो फाइन एनफ राइट तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे बरोबर है ठीक है आ जाइए अभी हम लोगों को करना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3A लेबर टर्नओवर का सम है राइट आंसर 3A तो दिसंबर मंथ का ओपनिंग दे दिया दिसंबर मंथ का क्लोजिंग दे दिया तो एवरेज आ जाएगा हमारा 40 वर्कर रिजाइन 60 डिस्चार्ज मतलब सेपरेटेड इज 100 300 नया रखा गया है उसमें से 225 एक्सपेंशन के लिए मतलब 75 रिप्लेस था rest were requited due to exit of employee मतलब this is replacement assuming 365 calculate labor turnover and equivalent annual क्योंकि ये जो भी turnover है ये एक महीने का है तो 12 महीने के हिसाब से कितना turnover होगा this is just for the month of December ना तो इससे अपने को पता चल जाता है हमारा annual में कितना turnover है labor turnover and too much of labor turnover will give me huge training cost huge settlement cost हायरिंग कॉस्ट राइट लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स ये सब हम लोगों को पता है इसका थ्योरी आता तो हम लोग फाड़ देते लिख के फाड़ देते मतलब एकदम अच्छे से लिखते हैं
राइट आ जाइए। तो सबसे पहले हमें नोट नंबर वन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देख लेना है फटाफट, दैट इज ओपनिंग 900 प्लस 1100 बाय 2, दैट इज 1000 एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी हम लोगों को तीन बोला है, एक बोला है रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो नंबर ऑफ वर्कर्स 75 बाय 1000 इनटू 100, 7.5%। दिस इज ओनली फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। तो इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट कितना होगा, 7.5% का टर्नओवर अगर 31 दिन के हिसाब से है दिसंबर, तो 365 के हिसाब से कितना आएगा, 88.31%, वेरी हाई, सिंपल एकदम। टाइम वेस्ट करना है तो आप करिए, मुझे तो नहीं करना बेटा, टाइम की सख्त जरूरत है हम एग्जामिनेशन में। एक समय तो है जो हमारा पेपर हमसे दूर ले जाता, हमें करने नहीं देता। कोई आएगा छीन के ले जाएगा, उस दंगे में हो सकता है आपका पेपर फट भी सकता है, तो बेटर है उसका कीमत को समझें। उसके बाद पूछा हमें सेपरेशन मेथड, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 200। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू दैट इज कमिंग टू 10% इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट, 10% 31 दिनों का है तो 365 के हिसाब से कितना होगा, 117.74%। नंबर तीन फ्लक्स मेथड, ये सब ना मार्क्स आपको भर भर के देंगे ये सब क्वेश्चंस। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स जॉइंड, मतलब एक्सेशन दोनों मिलाकर, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 200, दैट इज 100 छोड़ के गए 300 इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, हाँ भाई, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 1000 इन 200, दैट इज कमिंग टू 40%। तो इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट, तो 40% अगर 31 दिनों का है तो 365 के हिसाब से कितना आएगा, 470.97%। वेरी गुड क्लास, बताइए मेरे करने के पहले दो बच्चों का हो गया लास्ट बेंच, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को भाई? एग्ज़ाम में जो सवाल आ रहे हैं वही अगर मैं कर लूँ तो मैं दिक्कत क्या है? तो इस सम को करने में 10 नंबर का सवाल था, हमें 5 से 6 मिनट लगा। अब ये बात हजम नहीं हो रही, अरे भाई हजम करो, जल्दी हो गया तो मैं क्या करूं, ठीक है ना, कैपिटलाइज ऑन टाइम।
हो गया भैया। ठीक है, आ जाइए। अब हमें करना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3B। नाउ इसका एक पार्ट इजी था, दूसरा पार्ट भी इजी है बट लेंदी है, तो समझ गए आप लोग, टाइम नहीं वेस्ट करना हमें इसको, अब यहाँ यूज़ करना है हमें आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3B। हमें कहता है अल्फा लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोसेस का समय। भैया इक्यूपी ना हो, इक्यूपी ना हो ऐसा आप लोग बोल रहे होंगे, इक्यूपी नहीं है, नॉर्मल है, तीन प्रोसेस वाला सम है, पी क्यू आर है, सबका मेटेरियल लेबर दे दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड को परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो पहले मैं क्या करूँगा, नोट नंबर वन में प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लूँगा, दैट इज टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड बाय टोटल डायरेक्ट वेजेस इन 200। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 90,000 बाय टोटल डायरेक्ट वेजेस 30, 40, 50, 120,000 इन 200, दैट इज 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, इज दैट फाइन, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, शुरुआत में 10,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल 5 रुपये करके ऐड हुआ है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, अगला प्रोसेस में चला जाता है, नॉर्मल वेस्टेज 10% सभी का, स्क्रैप वैल्यू सभी का 1 रुपये पर केजी, आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस फाइनली टू वेयर हाउस एज अंडर, फिर लास्ट में बोलता है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 1/4 ऑन सेल्स, मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट, तो आपको लास्ट में सेलिंग प्राइस भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस बनाने नहीं बोला, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, प्रोसेस पी क्यू आर अकाउंट बोला है, राइट। सो हम लोगों ने बनाना है सबसे पहले प्रोसेस पी अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला टू रॉ मटेरियल, ये बेसिक मटेरियल है, 10,000 5 रुपया करके 50। अब जो रॉ मटेरियल दिया हुआ है ना, वो एडेड रॉ मटेरियल है, राइट। एक और मटेरियल दिया हुआ है 38,000 का, मेन यही है, इसी पे ये मटेरियल ऐड हो रहा है। टू डायरेक्ट लेबर हमारा है 30,000 का,
टू प्रोडक्शन ओवरहेड, हमने ऑलरेडी रेट निकाल लिया इसका 75% मतलब 22,500, इज दैट फाइन? तो हमारा टोटल इनपुट टोटल कॉस्ट आ गया, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद हम निकालते हैं आउटपुट यूनिट्स। तो सबसे पहले तो नॉर्मल लॉस 1000, 10% ऑफ इनपुट, फिर उसके बाद निकालेंगे बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू अकाउंट, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा है 9000, आयला नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन, माशाल्लाह, ठीक है। स्टेप थ्री, नॉर्मल लॉस को दिखाते हैं एट द रेट एक करके 1000 रुपया स्क्रैप, कितना तारीख है, 15 तारीख को होता है ना? हाँ, राइट। तो पहला स्टेप था टोटल इनपुट टोटल कॉस्ट, फिर आउटपुट दिखा दिया, एबनॉर्मल लॉस गेन है नहीं, फिर नॉर्मल लॉस का स्क्रैप, राइट? नॉर्मल लॉस के कारण कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो नॉर्मल लॉस को बेच के जो स्क्रैप आएगा उसके कारण कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट गिरना भी चाहिए। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यों होगा, ये कॉस्ट पे होगा, तो वो कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये आएगा कितना, 140,500 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 1000, देख लो भैया बताओ कितना आ रहा है, आप लोगों ने बताना है, राइट? बताइए, टेल मी, ठीक से बताइए, जल्दी बताइए। साढ़े 15 रुपया, तो 9000 × 15.5, बोलो कितना, 139,500। लेंदी है थोड़ा, ठीक है, बताइए। अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस क्यू, बनाएंगे क्या बनाएंगे, प्रोसेस क्यू,
टू मटेरियल फ्रॉम पी 9139500 राइट, इज दैट फाइन? सिंपल है एकदम, आ जाइए. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल. यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल है जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 42500 का, टू डायरेक्ट वेजेस है 40,000 का, टू 75% दैट इज 30,000. टोटल इनपुट टोटल कॉस्ट आ गया बाय नॉर्मल लॉट 10% ऑफ 9,900 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस आर अकाउंट 8,200. तो हिसाब से इनपुट और आउटपुट देखेंगे तो 800 का लॉस हुआ है, लेकिन नॉर्मल लॉस 900 है, तो इसका मतलब हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया है 100 का. हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया है 100 का. यस और नो? इज इट फाइन? बोलिए. अच्छा, नॉर्मल लॉस को तो 1 रुपया करके 900 ट्रांसफर होगा कॉस्ट पे, एबनॉर्मल गेन भी कॉस्ट पे, तो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट. टू लैख 52,000 माइनस 900 बाई 9,000 माइनस 900 31 पर यूनिट, तो ये तो 3100 आ जाएगा. 8,200 का 31 करके कितना, 254,200. ये लीजिए हमारा प्रोसेस क्यू भी बन गया. ठीक है, हाँ या ना? अभी हम लोगों ने बनाना है प्रोसेस आर अकाउंट. मटेरियल फ्रॉम क्यू 8,200,254,200. अब यहाँ पे भी अलग से डायरेक्ट मटेरियल ऐड हुआ है, डायरेक्ट वेजेस है, टू प्रोडक्शन ओवरहेड है, राइट? बताइए, फटाफट बताइए.
42,880, ये है 50,000, ये है 75%, तो 37,500। डन। अब इनपुट आउटपुट बाय नॉर्मल लॉस 820 बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, अगर आप देखेंगे तो 900 का लॉस हुआ है, तो 820 तक तो नॉर्मल, उसके ऊपर होगा एबनॉर्मल लॉस 80 का। ठीक है, अब वैल्यूएशन, ये तो एक करके 820, ये कॉस्ट पे, ये भी कॉस्ट पे, तो अगला टारगेट है हमारा कॉस्ट पर यूनिट। बताइए भैया टोटल कॉस्ट कितनी है, जोड़ के बताओ भाई टोटल कॉस्ट कितना है। बोलिए टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, थ्री एट्टी फोर फाइव एट्टी माइनस 820 डिवाइडेड बाई 8,200 माइनस 820 कितना आ रहा है, 52। आ जाइए तो 80 × 52 होगा 4160 और ये 379,600। ठीक है, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उन लोगों ने कर लिया है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट, अब हमें निकालने बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो कॉस्ट है हमारा 52 प्लस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 17.33, तो 69.33 हमारा आ जाएगा एसपी। 1/4 ऑन सेल्स दिया हुआ है, इट इज गिवन 1/4 ऑन सेल्स, 25% ऑफ सेल्स मींस 1/3 ऑफ कॉस्ट। Is that fine? तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया।
डन। अभी नेक्स्ट है हमारा आंसर टू। क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है। नाउ ये सब आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है, राइट। बहुत ही सिंपल सा सम है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम है ये। तो ट्रेडिशनल मेथड में बनाने बोला है और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए इनको, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अलग अलग ड्राइवर के बेसिस पे अपने ओवरहेड को डिवाइड करेंगे और फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स। और इसका पार्ट भी है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, जैसे होटल्स का किए थे ना रूम डेज, यहाँ पे पेशेंट डे होगा। तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। आ जाइए, तो पहले अपने ट्रेडिशनल में टू प्रोडक्ट्स बोथ हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम, तो मशीन आवर मेथड से करेंगे, राइट। सो इसका पहले हमें ट्रेडिशनली बोला है, तो पार्ट ए ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, राइट। तो MHR इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड बाई टोटल मशीन आवर। तो टोटल ओवरहेड कितना है, तीनों ओवरहेड का टोटल कर लीजिए, राइट। जो नीचे एक्टिविटी वाइज दिया ना उसका टोटल कर लो, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओवरहेड आ रहा है 1,560,000 बाई टोटल मशीन आवर 24,000 प्लस 54,000 आवर्स, दैट कम्स टू ₹20 पर आवर। ठीक है, अभी अपने एलोकेशन करेंगे, क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। जेल पेन बॉल पेन ओवरहेड एट द रेट ₹20 पर आवर। तो यहाँ पे आएगा 4,80,000, यहाँ पे आएगा 10,80,000। आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्पेक्टिवली, तो हमारा आ जाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। इसको करेंगे 480 डिवाइडेड बाई 5,500 यूनिट है ये, तो हमारे कितना आ रहा है 87.27। और इसको करेंगे 10,80,000 डिवाइडेड बाई 24,000 यूनिट, तो ये आ रहा है हमारा 45। नॉट ट्रेडिशनल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं दैट अगर डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड ईच प्रोडक्ट हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम, साफ समझ में आ रहा है 5,500 यूनिट बनाने में आपको 24,000 घंटा लग रहा है, ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स।
और 54,000 आवर लग रहा है आपको 24,000 बनाने में, तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 के बीच में है घंटा, तो दो प्रोडक्ट हो गया, दोनों का कंप्लीशन टाइम अलग अलग है. तो व्हेन टू प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम इन दैट केस वी यूज आवर मेथड एवरेज निकालने का. तो यहाँ पे मशीन आवर के बेसिस पे एवरेज निकाला गया, देन टोटल ओवरहेड एलोकेट कर दिया एंड प्रोडक्ट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पूछा अपने को. तो जो भी ओवरहेड एलोकेट किया उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कर दिया. तो ये हमारा पार्ट वन सक्सेसफुली हो गया. इसी तरीके से करते हैं हम लोग. अभी हम लोग करेंगे नंबर टू. तो उसमें सबसे पहले अपने को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने निकालते हैं कॉस्ट पर ड्राइवर. तो उसके लिए अपने को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जिसमें हम लोग एक्टिविटी लिखते हैं पहले, फिर उसका कॉस्ट पुल लिखते हैं, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर लिखते हैं, फिर नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ ड्राइवर्स. फिर उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट पर ड्राइवर. ऐसा काम करते हैं हम लोग. राइट, इजेंट इट. आ जाइए. तो सवाल में बोला है वॉल्यूम रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, परचेज रिलेटेड. वॉल्यूम रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, कॉस्ट पुल 475020 579988, then 405054992. इसी का टोटल ही आया था ऊपर में 1,560,000. अब इसकी ड्राइवर है आउटपुट्स, इसका है सेटअप, इसका है परचेज ऑर्डर. कौन सा खर्चा किस पे वेरी करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, अभी आउटपुट दे दिया 29,500 यूनिट्स. ठीक है, सेटअप दे दिया 86 सेटअप्स और ये आएगा 688 पीओ. अब हमारा आएगा कॉस्ट पर ड्राइवर, दिस डिवाइडेड बाय दिस. राइट, फटाफट करके बताइए. 475020 डिवाइडेड बाय 29,500. वाह, 16.10 पर यूनिट. राइट, उसके बाद 579988
डिवाइडेड बाय 86, 6744.05 पर सेटअप, इसका आ रहा है 504992 डिवाइडेड बाय 688, 734 पर परचेज ऑर्डर, राइट। अभी नोट टू, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, जेल पेन, बॉल पेन, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट, राइट। इज दैट फाइन? आ जाइए, 16.10 बोला है ना, तो 16.1 × इसमें वॉल्यूम था 5,500, राइट, तो इसमें आएगा 88550। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन होगा, कांट हेल्प इट, क्योंकि डेसिमल का चीज़ है ना। ठीक है, ओके। नाउ (24,000 × 16.10) 386,400 पर यूनिट आ गया, इनटू इसका यूनिट, इनटू इसका यूनिट, डन। सेटअप 6744.05 × 50, 30 × 30, तो 202 राउंड ऑफ कर लो, राइट, एंड इधर होगा × 56, 377,666, यहाँ नीचे ले लेना, वहाँ ऊपर किया तो यहाँ नीचे ले लेना, ठीक है, ओके। देन वी हैव 734 × इसका है 240, 176,160, इसका है 448, 328,832। अब ऐड कर दीजिए रेस्पेक्टिवली, 377,666 + 386,400 + 328,832, जिसका आ रहा है 1092898,
इसमें आ रहा है 88550 प्लस 202322 प्लस 176160 467032। इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना हम लोग, टोटल ओवरहेड आ गया जोड़ने से 102998। सिक्स 400 प्लस 88550। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है चेक करो कैलकुलेशन। फोर सेवन फाइव जीरो टू जीरो डिवाइडेड बाय 29500 जो भी आ रहा है इंटू 5500। एट एट फाइव फाइव जीरो ठीक है 10.10 इंटू 24000 386400 प्लस 88550। एट एट फाइव फाइव जीरो प्लस 202322 प्लस 176160 यहाँ पे टोटल गलत है 386400 प्लस 377666 प्लस 328832। ओके ये 1092 298 एडिशन में मिस्टेक था प्लस 467032। तो जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो देखिएगा 15,59,330 आ रहा है, तो 15,60,000 है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेशन एरर। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है, इधर अप्रोक्सीमेशन है, राइट? तो दैट सिंपल अप्रोक्सीमेशन। इज दैट फाइन? 36400 प्लस 377666 प्लस 328832। कितना आ रहा है ये 1092898 प्लस 467032 आ गया 70 रुपये का आसपास डिफरेंस आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेशन एरर है। क्लियर? सो इनको जब जोड़ेंगे आप ओवरहेड एलोकेट करने के बाद तो ये मोटा मोटी इतना ही आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अपना डेसिमल को हमने राउंड ऑफ किया है, देखिए तो 50-100 रुपये का डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने को करना है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो 467032 बाई 5,500 यूनिट 1092898 डिवाइडेड बाई 24,000 यूनिट। ठीक से करेंगे हम लोग,
तो ये आ रहा हमारा 467032 डिवाइडेड बाई 5,500, तो ये आ रहा है 84.91 और इधर आ रहा है 1092898 डिवाइडेड बाई 24,000, ये आ रहा है 45.54। ठीक है, अभी नंबर थ्री, जेल पेन बॉल पेन, ये लास्ट में इसको चेक कर लेने से क्या होता है ना, आपका ये पता चल जाएगा कि आपने ये जो डिवीजन कैलकुलेशन मिस्टेक, जैसे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक डिटेक्ट हुआ ना, मेरा टोटल मैच नहीं करा था, तो मेरा कहीं ना कहीं इट शुड कम 1560। छोटा छोटा चीज है सब, मैं आपको बता रहा हूँ How to verify your answers, right? कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है। पहले मैं कॉस्ट पर ड्राइवर निकाल रहा हूँ, राइट, उसके बाद मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ इन दोनों का टोटल जो है ये हमारा 1560 आना चाहिए। तो 50-100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर है। ठीक है, आ जाइए। सो हमारा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड, तो ट्रेडिशनल मेथड से कितना आया था, 87.27 और वो वाला आया था 45 और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 84.91 45.54, राइट। तो यहां पर आ रहा है प्लस, डिफरेंस करिए 87.27 माइनस 84.91, 2.36, 45 माइनस 45.54 माइनस 0.54, राइट। अभी क्या है, हम एग्ज़ाम में जब अपने करते हैं, हमारा अक्सर ये आदत रहता है कि हम लोग बाहर आके पेपर डिस्कस करते हैं हमारे दोस्तों के साथ, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम हमेशा डिस्कस ये करेंगे कि हम लोगों ने इन सब को किसके बेसिस पे लिया। तो वॉल्यूम रिलेटेड को वॉल्यूम पे ले लिया, सेटअप रिलेटेड को सेटअप पे ले लिया, परचेज रिलेटेड को परचेज ऑर्डर पे ले लिया। अभी बहुत सारे बुक्स में और आपके इंस्टीट्यूट में भी वॉल्यूम रिलेटेड को मशीन आवर बेसिस पे लिया गया है, राइट। तो कहने का मतलब है, डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि ओवरहेड का नेचर क्या है, किस बेसिस पे वेरी कर रहा है। राइट, अपने को अपने क्या किया, टोटल ओवरहेड को एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर दिए, राइट। फिर अपने रेस्पेक्टिव ड्राइवर खोज रहे हैं, तो ये वाला जो है इसमें आप देखेंगे दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यू कैन टेक इट मशीन आवर आल्सो। तो जिन लोगों ने वॉल्यूम लिया उन लोगों का गलत नहीं होगा,
फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये जो वॉल्यूम रिलेटेड का बोलने का मतलब है क्या है, इज इट आउटपुट और इज इट मशीन आर। कहीं ना कहीं दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, वॉल्यूम मशीन आर, क्योंकि जिस हिसाब से मशीन आवर का इन्वॉल्वमेंट होता है उस हिसाब से हमारा वॉल्यूम भी होता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपने इसको आउटपुट पे लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको मशीन आवर पे ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सम्स में आप देखेंगे दे डोंट यूज द वर्ड वॉल्यूम रिलेटेड, दे यूज द वर्ड मशीन रिलेटेड। इसका मतलब मशीन आवर लेना है, वो मेरे को समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम कहीं ना कहीं हैज एन रिलेशन विथ मशीन आवर, वो तो होता ही है, जितना भैया आवर्स में दूंगा उसी हिसाब से ना वॉल्यूम होगा। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि ओवरहेड का एग्जैक्टली नेचर क्या है इसमें। आई नो दैट वॉल्यूम दे हैव अज्यूम दैट यहाँ पे वॉल्यूम मतलब मशीन रिलेटेड, तो इसीलिए वो लोग ड्राइवर मशीन आवर ले रहा है, बट वॉल्यूम रिलेटेड भी ले सकता हूँ ना मैं। राइट, सो आप कहीं ना कहीं देखेंगे देर विल बी एन आर्गुएबल पॉइंट, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, मैनी से कि नहीं मशीन आवर ही लेना चाहिए, बट अगर आपने वॉल्यूम रिलेटेड को आउटपुट के बेसिस पे किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इज दैट फाइन? अगर मैं बोल देता पावर कॉस्ट तो मशीन रिलेटेड ही होगा, तो मशीन आवर उसका ड्राइवर होगा। राइट, तो काफ़ी सारा चीज़ ऐसा भी होता है ओवरहेड में जो वॉल्यूम रिलेटेड है, मे बी दे हैव इंक्लूडेड सम वेरिएबल ओवरहेड इन दिस। राइट, सो काफ़ी सारा चीज़ हो सकता है, सो यू कैन टेक आउटपुट और मशीन आवर। एनीवेज, अगर मशीन रिलेटेड बोल दिया मतलब मशीन रिलेटेड कॉस्ट है, तो मशीन आवर ही होगा। एंड ये लॉजिक भी सही है कि सिंस डिफरेंट प्रोडक्ट हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम, तो वॉल्यूम पे करना उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, क्योंकि सम प्रोडक्ट इज टेकिंग 4 to 5 आवर एंड सम प्रोडक्ट इज टेकिंग 2 to 2.5 आवर। लेकिन एग्जैक्टली इस ओवरहेड में क्या क्या कंटेंट, क्या कौन कौन सा ओवरहेड इंक्लूड किया हुआ है, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है। तो मशीन आवर का लॉजिक भी सही है, एंड यू कैन गिव फ्यू आर्गुमेंट्स फॉर वॉल्यूम रिलेटेड, दैट इज आउटपुट आल्सो। राइट, आज अपने ट्रेडिशनल में ऑलरेडी मशीन आवर यूज किए हैं, तो उस लॉजिक से ये हो सकता है कि वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट में सब मशीन रिलेटेड खर्चा घुसा हुआ है, that can be an arguable point, but अगर मशीन रिलेटेड होता तो फिर वॉल्यूम क्यों बोलेगा। तो काफ़ी सारा इफ्स एंड बट्स है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैनी बुक्स हैव दे हैव डू इट डन इट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, एंड इंस्टीट्यूट में मशीन आवर किया हुआ है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट गिव ए नोट, देर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि वो रियल लाइफ में फर्दर मैं किसी भी में भी मैं फॉर में भी बोल सकता हूँ, अगेंस्ट में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये डायलेमेटिक मैटर है। राइट, इसमें एक सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है यहाँ पे, मेरा जजमेंट, मेरा इन्वेस्टिगेशन, मेरे ओवरहेड में क्या क्या घुसा हुआ है उस हिसाब से। ये लॉजिक जो मशीन आवर लेंगे उनका लॉजिक ये सही है, डिफरेंट प्रोडक्ट हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम, तो अपने तो वॉल्यूम बेसिस पे नहीं कर सकते, इसलिए तो अपने ट्रेडिशनल को मशीन आवर पे लिया ना, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम। तो अगर ऐसा ही रहता तो आप वॉल्यूम रिलेटेड क्यों बोलेंगे, आप कंफ्यूज क्यों करेंगे, आप सीधा बोलिए ना मशीन रिलेटेड है तो हमको समझ में आ जाएगा। राइट, तो काफ़ी सारा आर्गुएबल पॉइंट्स है, बट दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। आ जाइए नेक्स्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3B। क्या है ये, कौन सा कर रहे हैं, 4B, ठीक है।
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम है। अच्छा, इस टाइप का सम में क्या बोला है, मैंने ए ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ मेट्रो सिटी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 85 लाख इन हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। द यूनिट्स कैपेसिटी शैल बी ऑफ 50 बेड्स एंड 10 मोर बेड्स इफ रिक्वायर्ड कैन बी एडेड। ठीक है, 85 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, बिल्डिंग रेंट तो फिक्स्ड होता है, मैनेजर सैलरी भी फिक्स्ड होगा, नर्स सैलरी भी फिक्स है, वार्ड बॉय का सैलरी भी फिक्स्ड है, डॉक्टर पेमेंट बोलता है पेड ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड, तो इट्स अ क्वाइट नेचुरल की वेरिएबल होगा, बट कैलकुलेट करके दे दिया। कोई भी फिगर परसेंटेज में नहीं देता है, कैलकुलेट करके दे देता है, तो हम लोगों को लगता है कि ये नहीं, ये फिक्स होगा। बेटा फिगर एग्जाम में दे दिया मतलब दे हैव डन द होमवर्क फॉर यू, दे हैव कैलकुलेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट एंड गिवन इट टू यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट डजेंट मीन कि ये फिक्स कॉस्ट होगा। ये बहुत गलत नोशन है हम लोगों का कि अमाउंट दे दिया मतलब फिक्स कॉस्ट है, जिसको पर यूनिट या परसेंटेज में देगा वो वेरिएबल है। गलत बात, एकदम गलत बात नहीं करेंगे हम लोग, राइट? अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया तो इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट। फूड एंड लॉन्ड्री, बट ऑब्वियस है, जितना पेशेंट आएगा उस हिसाब से वेरिएबल है ये, मेडिसिन भी वेरिएबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। फिर ये दे दिया हमारा, वो पेशेंट डे निकालने के लिए काम आएगा हमारा, 200 दिन 50 बेड ऑक्यूपाइड है, 105 दिन 30 बेड ऑक्यूपाइड है और 20 दिन 60 बेड ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 60 डेज 20 बेड्स ऑक्यूपाइड है। ठीक है, 200 दिन 50 बेड, 105 दिन 30 बेड एंड 60 डेज 20 बेड्स। ठीक है, द हॉस्पिटल हायर्ड 250 beds at a charge of 950 per bed to accommodate the flow of patient. तो ये तो average है ना, तो कभी ज्यादा कभी कम, तो उस हिसाब से, क्योंकि या तो नहीं तो हम लोग को हर दिन का 365 दिन का patient day को add करना पड़ेगा, इसलिए लोग कहीं ना कहीं, या तो ये जो 200 days में 50 beds है ना, तो इसको कैसे किया होगा, 51, 52, 53, 54, 56, 48, उसका एवरेज आसपास वाला, फिर एकदम जब पेशेंट कम रहता है तो उसके आसपास वाला 30 का, फिर एकदम कम तो 20 के आसपास वाला, तो ये उस हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं हमको दरकार पड़ा है 950 पर बेड, तो ये भी मेरा वेरिएबल होगा क्योंकि इट वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। हाउएवर दिस नेवर एक्सीडेड द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 बेड्स ऑन एनी डे। इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को, राइट? अपने को प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालने बोला है। इफ हॉस्पिटल चार्जेस 2500 रुपये पेशेंट से लेता है वो एक दिन के इलाज का, राइट? सेलिंग प्राइस दे दिया और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखिए, हम लोग हमेशा जब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल करके बनाते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ काम आएगा हमारा, क्योंकि अपने को लास्ट में ब्रेक इवन पॉइंट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके वो निकालना पड़ेगा। तो इट्स बेटर, सबसे पहले तो अपने को नोट नंबर वन में नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकालना पड़ेगा। 200 दिन तक 200 डेज 50 बेड्स प्लस 105 डेज 30 बेड प्लस 60 डेज 20 बेड करके बताइए। पेशेंट डेज कुछ नहीं है, जैसे होटल में रूम डेज करते वैसे यहां पर है।
फिर हमारा नोट टू होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, और ये सब एनुअल बेसिस पे ही बनता है। राइट, सो वेरिएबल में हमारा क्या क्या है, डॉक्टर्स पेमेंट 5.5 लाख इंटू 12 66 लाख, फूड 39 लाख 53,000, मेडिसिन 22 लाख 75,000, कभी ना कभी भाड़े पे लिए ही होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, 250 बेड हमने 950 करके भाड़े पे लिया है। कितना आ रहा है, 1,30,00,000 65,500, ठीक है, बाकी सबको हम लोग ले लेंगे एफसी में। लाइन से बताइए क्या क्या है, बिल्डिंग रेंट 2,25,000 इंटू 12 27 लाख आएगा ये, मैनेजर सैलरी 50,000 इंटू 12 और 3 जन है ये लोग 18 लाख, उसके बाद नर्स की सैलरी 18,000 इंटू 12 इंटू 24 है ये लोग, वार्ड बॉयज सैलरी 9,000 इंटू 12 और ये लोग भी 24 हैं, कितना आ रहा है, 51,84,000, 25,92,000, इज दैट फाइन। अभी नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल दिया, डेप्रिसिएशन कितना बोला है,
15% ऑफ 85 लाख इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में किया है ना, 85 लाख का 15%, 12,75,000, तो ये हमारा आएगा टोटल 2। फिर आएगा टोटल कॉस्ट, दैट इज 1 प्लस 2। फिर आएगा हमारा टोटल रेवेन्यू, फिर आएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। फटाफट ये सबका टोटल 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 बता दीजिए। ढाई हजार इंटू 14,350 पर पेशेंट पर डे इतना लेते हैं हम, तो फिक्स कॉस्ट का टोटल आ रहा है 1,63,51,000। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 2,94,16,500, ये हमारा टोटल कॉस्ट है। ठीक है, हमारा टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई करके बताइए कितना, कितना आ रहा है बोलिए, 14,350 × 2,500, 3,58,75,000। ठीक है, थ्री करोड़ 58,75,000 माइनस 294 16,500, तो ये आ रहा है हमारा 64,58,500।
ठीक है, तुम्हारा पार्ट वन क्वेश्चन का जो पार्ट वन था उसमें क्या पूछा है, प्रॉफिट पर पेशेंट डे। तुम्हारा प्रॉफिट पर पेशेंट डे इज इक्वल्स टू 64,58,500 डिवाइडेड बाई 14,350। राइट, सिक्सटी फोर फिफ्टी एट 500 डिवाइडेड बाय 14,350, दैट कम्स टू 450.07 पर पेशेंट डे। नाउ ठीक है, इज दैट फाइन? इज इट क्लियर? अब हम लोग इसका करेंगे पार्ट टू। तो पार्ट टू के लिए अपने को क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पर पेशेंट डे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों को टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, 358,75,000 माइनस 130,65,000 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बोलिए, 358,75,000 माइनस 130,65,000 228,140 सो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे विल बी हाउ मच, 228,140 डिवाइडेड बाय 14,350 1589.55, राइट? सो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, दैट इज रुपीज
1,63,51,000 divided by 1589.55. हमेशा ऊपर में राउंड ऑफ करेंगे तो 1,63,51,000 डिवाइडेड बाय 1589.55 10,287 patient days. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा और फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में ये मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से आपको करवाया है. अभी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है. अगर आप लोग सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे, मैंने देखा था इंस्टीट्यूट के साइट में दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे से ये बात पल्ले नहीं पड़ रही. यहाँ लिखा है द यूनिट कैपेसिटी सेल बी ऑफ 50 बेड्स एंड 10 मोर बेड्स इफ रिक्वायर्ड कैन बी एडेड. ठीक है, तो अगर 10 ज्यादा बेड मैं लगाता हूँ राइट, तो मेरा रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है द हॉस्पिटल हायर 250 बेड्स एट ए चार्ज ऑफ 950 पर बेड टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ स्टूडेंट. मेरा कैपेसिटी 50 बेड का, मैं चाहूं तो मैं 10 बेड और लगा सकता हूं, तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मेरे को, है ना? अच्छा, अभी जो मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तो मेरे पेशेंट भी ज्यादा हैं. यहां पे एक लाइन लिख दिया, हाउएवर दिस नेवर एक्सीडेड द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 बेड्स ऑन एनी डे. इसका मतलब क्या? यहां पे तो देखो 200 दिन का 50 बेड, 105 दिन का 30 बेड और 60 दिन का 20 बेड, तो 365 दिन का हिसाब बता दिया है. फिर यहां लिख रहा है कि मैंने जो एक्स्ट्रा बेड हायर किया है वो 50 को एक्सीड नहीं कर रहा, मतलब उसी 50 में है, तो मैंने एक्स्ट्रा बेड क्यों हायर किया? ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है. दिस नेवर एक्सीडेड द नॉर्मल कैपेसिटी, मैंने जो बेड्स हायर किए इट नेवर एक्सीडेड 50, तो नेवर एक्सीडेड 50 मतलब एक्स्ट्रा पेशेंट्स आए नहीं, तो आपका तो 50 के हिसाब से कैलकुलेशन ऑलरेडी आपका किया हुआ है पेशेंट डे का. सजेस्टेड आंसर में दे हैव यूज्ड दिस नेवर एक्सीडेड 10 बियॉन्ड नॉर्मल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरे 50 से ज्यादा पेशेंट होंगे तो उस यूनिट की कैपेसिटी 50 की है, 50 से ज्यादा पेशेंट आएंगे तब मेरे को एक्स्ट्रा बेड लेना पड़ेगा और मेरा फ्लो रेवेन्यू फ्लो भी आएगा. मान लिया, तो हिसाब से होना क्या चाहिए था, अगर ये लाइन नहीं लिखता नीचे तो मतलब मेरे कुछ कुछ दिनों में मेरे पेशेंट्स ज्यादा थे इसलिए मेरे को 250 बेड्स हायर करने पड़े. अब ये 250 बेड एक दिन का तो है नहीं, किसी दिन का 2 होगा, किसी दिन का 3 होगा, किसी दिन का 4 होगा राइट, क्योंकि 105 दिन 30 बेड्स ऑक्युपाइड थे, 60 डेज 20, तो इसमें तो होगा नहीं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इन 200 में ही होगा.
ये जो 200 दिन जो 50 बेड्स इसी में होगा ना, फुल हॉस्पिटल इज ऑक्यूपाइड, तभी ना एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 200 दिन में हो सकता है किसी दिन एक किसी दिन दो, उस हिसाब से मेरे 250 एक्स्ट्रा बेड लगे। लेकिन ये लाइन जो लिख दिया, हाउएवर दिस नेवर एक्सीडेड द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 बेड्स ऑन एनी डे, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो एक्स्ट्रा बेड हायर किया वो नॉर्मल कैपेसिटी को क्रॉस नहीं किया, और अप टू नॉर्मल कैपेसिटी तो मैंने यहां पे कंसीडर कर ही लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब मैंने जो बेड्स हायर किए वो किस लिए किया, हो सकता है हमारा जो बेड्स है खराब हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है उसको रिपेयरिंग की दरकार पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको रेवेन्यू में नहीं कंसीडर किया। अगर ये लाइन ना लिखता तो मैं तो भैया यहां पे मैं 250 पेशेंट डे एक्स्ट्रा ऐड करता। भैया देखो, हम लोगों को समझ के करना है, रटाना रहेगा इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड आंसर देख के कराना रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा पॉइंट क्या है। अगर ये लिखता कि 50 के ऊपर है ये, तब मैं ये क्या करता, मेरा रेवेन्यू भी आता। अभी मैं रेवेन्यू नहीं बढ़ाया हूं, तब मेरा क्या हो जाता रिवाइज्ड अगर मैं करूं, इन दैट केस मेरा ये 14,600 हो जाता। हाँ, ये रेवेन्यू भी मेरा 14,600 हो जाता, तो उस हिसाब से अगर मैं करता तो ये आता 3,65,00,000। मेरा प्रॉफिट चेंज होता, प्रॉफिट पर पेशेंट डे चेंज होता, कंट्रीब्यूशन चेंज होता, सब चेंज हो जाता। तो इसका मतलब एकदम ध्यान से, वो लाइन लिख दिया बोल के गड़बड़ कर दिया, बोला कभी भी 50 एक्सीड ही नहीं हुआ। तो 50 एक्सीड नहीं हो तो आपने एक्स्ट्रा बेड क्यों हायर किया, हो सकता खराब हो गया हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ सवाल में गलत है। अगर मैंने एक्स्ट्रा बेड हायर किया तो ये तो बक्का है मेरा रेवेन्यू फ्लो आना चाहिए, बट फिर ये लाइन ये लोग क्यों लिखा यहां पर, हाउएवर दिस नेवर एक्सीडेड द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 बेड्स ऑन एनी डे। तो भैया अगर नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 बेड्स एक्सीड ही नहीं किया तो आपने एक्स्ट्रा बेड क्यों हायर किया, इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा बेड आपका खराब हो गया होगा, क्योंकि अप टू 50 तो मैंने कंसिडर किया ही ना। यहाँ पे देखिए 50 बेड्स तक का तो मैं कंसिडर किया ही हूं पेशेंट डे कैलकुलेशन में। ऐसा लिखता ये 250 एक्स्ट्रा बेड्स अबव 50 तब मेरे को समझ में आता, हाँ तब मेरा 250 एक्स्ट्रा पेशेंट्स, तो मेरा सब कुछ चेंज होता, राइट? सो अब मैं तो आपको इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं करा सकता ना, मैं तो जो क्वेश्चन लिखा मैं उसके हिसाब से कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट में एक्स्ट्रा बेड हायर्ड इज नॉट ड्यू टू capacity, it may be due to some repairing work going during the operation. Is that fine? समझ में आ रहा है आप लोगों को? That's cool.
ये भी चेंज होता सब, मतलब सब्सिक्वेंट फिगर्स विल चेंज. ठीक है,